फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बात करूंगा कि किस तरह से आप एक ईमेल आईडी और जीमेल अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, वो भी आपका एंड्रॉयड मोबाइल यूज़ करके। फ्रेंड्स, आपको तो पता होंगे कि आज के डेट में जीमेल आईडी और ईमेल अकाउंट का कितना ज़रूरत है। अगर आप जब भी कोई नया मोबाइल खरीदते हैं तब भी आपको इसमें ईमेल एड्रेस का ज़रूरत पड़ती है, उसमें फास्ट टाइम लॉगिन करने के लिए। और इसके अलावा भी आप जब भी प्ले स्टोर से कोई भी गेम्स वगैरह और एप्लीकेशन वगैरह डाउनलोड करने के लिए जाते हैं तो यहाँ पर भी आपको फास्ट टाइम लॉगिन करने के लिए एक ईमेल एड्रेस का ज़रूरत होता है। और फ्रेंड्स, इसके अलावा भी आपको बहुत सारे काम में ईमेल एड्रेस का ज़रूरत पड़ता है। अगर आपको ये ईमेल एड्रेस बनाना पहले से नहीं आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिए। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आए, आपके कुछ काम में आए तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। और अगर आपने इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आया तो प्लीज़ इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो और हेल्पफुल वीडियो आपके लिए लेके आता रहा तो प्लीज़ इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सो फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रदीप और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल जेपीटेक न्यूज़। तो गाइस, ये ईमेल आईडी बनाने के लिए आपका मोबाइल में जो जीमेल एप्लीकेशन है उसे आप ओपन कर लीजिए। अगर आपका मोबाइल पे ये जीमेल एप्लीकेशन नहीं है तो प्ले स्टोर से भी ये आप डाउनलोड कर सकते हैं, अदरवाइज किसी भी ब्राउज़र यूज़ करके भी आप ये काम कर सकते हैं। तो चलिए मैं जीमेल एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ। और ओपन करते हुए आपको इस तरह से एक इंटरफेस दिख जाएगा और ऊपर में लेफ्ट साइड में आपको 3 डॉट दिख जाएगा और राइट साइड में आपको ईमेल का लोगो दिख जाएगा। और इसके ऊपर क्लिक करते हुए आपको इस तरह से बहुत सारी ईमेल एड्रेस दिख जाएगा जो कि पहले से आपका मोबाइल में अवेलेबल है। और नीचे आपको दिख जाएगा ऐड अनदर अकाउंट, न्यू ईमेल आईडी बनाने के लिए आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। और इसके ऊपर क्लिक करते हुए आपको इस तरह से कुछ पेज दिख जाए, सबके ऊपर में जो दिखाई दे रहा है गूगल, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। अभी इस स्टेज में आपका इन्फॉर्मेशन चेक करने के लिए थोड़ा सा टाइम लग सकते हैं, जो कि आपका नेटवर्क की स्पीड के ऊपर डिपेंड करेगा। अभी इस पेज में आपका ईमेल एड्रेस का मदद से साइन इन करने के लिए बोला जा रहा है, लेकिन आपके पास तो ईमेल एड्रेस है ही नहीं तो आप कैसे साइन इन करेंगे। तो आप सबके नीचे लेफ्ट साइड में देख सकते हैं क्रिएट अकाउंट, तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। और इसके ऊपर क्लिक करते ही आपको मिल जाएगा फॉर माई सेल्फ, और न्यू अकाउंट क्रिएट करने के लिए इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। और यहाँ पर आपको आपका अकाउंट का जो नाम है वो चूज़ करने के लिए बोला जा रहा है, तो आप कुछ भी नाम यहाँ पर डाल सकते हैं। तो उसके बाद नीचे से उसे नेक्स्ट कर दीजिए। और नेक्स्ट करते हुए यहाँ पर आपको एक फ़ोन नंबर डालने के लिए ऑप्शन मिल जाएगा, तो आपका जो भी फ़ोन नंबर है यहाँ पर आप डाल दीजिए और नीचे से दोबारा नेक्स्ट कर दीजिए। दोस्तों, अभी आपका फ़ोन नंबर वेरीफाई हो जाएगा और यहाँ पर आपको एक OTP रिसीव होगा। आप देख सकते हैं ऊपर में मेरा फ़ोन नंबर पर एक OTP आया है, तो इस तरह से आपका फ़ोन नंबर भी एक OTP रिसीव होगा। और नीचे आपका डेट ऑफ बर्थ डालना है, तो आपका डेट ऑफ बर्थ जो भी कुछ है यहाँ पर आप डाल दीजिए और दोबारा नीचे से उसे नेक्स्ट कर दीजिए। दोस्तों, अभी 3 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, और यहाँ पर अगर आपको ईमेल एड्रेस का फॉर्मेट बनाना नहीं आता है तो पहला 2 ऑप्शन से आप कोई भी एक चूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ईमेल एड्रेस का फॉर्मेट बनाना आता है तो नीचे वाला ऑप्शन में आप क्लिक कर दीजिए क्रिएट योर ओन जीमेल एड्रेस। अभी आप आपका ईमेल एड्रेस जो भी रखना चाहते हैं यहाँ पर आप डाल दीजिए, उसके बाद नीचे से नेक्स्ट कर दीजिए। और नीचे से नेक्स्ट करते हुए आपको मिल जाएगा पासवर्ड सेट करने के लिए ऑप्शन, तो आपका जीमेल आईडी और ईमेल एड्रेस का पासवर्ड आप जो भी रखना चाहते हैं यहाँ पर आप डाल दीजिए। फिलहाल मैं मेरा पासवर्ड यहाँ पर डाल देता हूँ। और पासवर्ड डालने के वक्त मेरा मोबाइल में जो आप दिख रहे हैं ब्लैक कलर हो गया, ये सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑफ हो जाता है, तो इसके लिए ब्लैक कलर दिखाई देता है। तो इस तरह से आप कोई भी पासवर्ड यहाँ पर सेट कर लीजिए और दोबारा उसे री एंटर कर दीजिए। अभी आप अगर आपका फ़ोन नंबर ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप आपका फ़ोन नंबर भी ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज उसे स्किप कर दीजिए। और यहाँ पर इस तरह से कुछ टर्म्स एंड कंडीशन आपको दिख जाएगा, अगर आप चाहे तो उसे पढ़ सकते हैं, अदरवाइज नीचे से उसे एग्री कर दीजिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा जो ईमेल एड्रेस है ये सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप भी आपका मोबाइल फ़ोन यूज़ करके एक ईमेल आईडी और जीमेल एड्रेस आसानी से बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, अच्छा लगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ, और इस वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।